नमस्कार दोस्तों, टेक विषय में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कौरव, और आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर इनवैलिड IMEI नंबर की एरर को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही स्टेप्स के अंदर। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपको इस टाइप की एरर कब दिख सकती हैं, जब आप अपने फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा बार रीसेट करते हैं, या फिर आप कस्टम रूट करते हैं अपने फ़ोन को, या रिकवरी इंस्टॉलेशन करते हैं कस्टम, तो तब आपको ये एरर दिख सकती है। इस एरर को फेस करना पड़ सकता है। ये फ़ोन पे डिपेंड करता है। वेल गाइस, मेरे को जो प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को जो सेम इश्यू हुआ था, वो हुआ था फ़ोन को रीसेट करने की वजह से। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम फ़ोन को रीसेट किया था, तो मेरे काफ़ी फंक्शंस वर्क नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल फ़ोन के अंदर, और मेरे जो सिम स्लॉट्स हैं वो बंद हो गए थे, और इनवैलिड IMEI नंबर की एरर आ रही थी। तो गाइस, पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो काम करना है, वो करना है आपको, आप अपने IMEI नंबर नोट डाउन कर लीजिए एक ब्लैंक पेपर पे। वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं आप अपने बिल में, जो फ़ोन का बिल होगा उस पे, या फिर आपके फ़ोन के बैक साइड में। बैक साइड आप कवर खोल के बैटरी के पीछे आप चेक कर सकते हैं, या तो बैटरी के ऊपर पीछे साइड में होंगे आपके IMEI नंबर, या फिर आपके फ़ोन के बैक साइड में आपके IMEI नंबर होंगे। तो IMEI नंबर को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका फ़ोन ड्यूल सिम है तो 2 IMEI नंबर होंगे, अगर सिंगल सिम है तो आपका सिंगल IMEI नंबर होंगे। उनको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की मेथड के लिए, आगे की प्रोसेस के लिए। ओके गाइज, उनको नोट डाउन करने के बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले IMEI नंबर को मैनुअली चेक कर लीजिए कोड डाल के। कोड है *#06#, ये आपको डायल करना होगा अपने फ़ोन के अंदर। तो देखिए कैसे डायल करेंगे। देखिए, डायल पैड में जाइए और डायल करिए *#06#, उससे आपके IMEI नंबर शो होंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने ये मेथड यूज़ कर लिया है, तो मेरे IMEI नंबर करेक्ट हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं। तो आप इस मेथड के थ्रू पहले IMEI नंबर अपने चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको इनवैलिड IMEI नंबर शो होंगे लिखे हुए आएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, सो पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी आपके फ़ोन के अंदर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नेटवर्क्स आते हैं, जैसे मेरे पास ड्यूल सिम फोन है, यहाँ पे जो नेटवर्क है टाटा डोकोमो और वोडाफोन इन, यहाँ पे आपको इनवैलिड IMEI नंबर शो होगा, लिखा हुआ आएगा। तो वो एक एरर है, तो आप यहाँ से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर के जाने के बाद हमको डाउनलोड करनी होगी एक ऐप, जो कि है इंजीनियरिंग मोड MTK शॉर्टकट। तो आप कुछ भी टाइप करिए, आप टाइप करिए MTK इंजीनियरिंग टाइप करेंगे तो आपको ऑलरेडी रिजल्ट आ जाएगा। तो सेकंड वाली जो ऐप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मोड MTK शॉर्टकट, वो मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। ओके, सो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए इस ऐप को। बेसिकली ये ऐप जो है वो एक सिंपली इंजीनियरिंग मोड प्रोवाइड कराती है अपने फ़ोन के अंदर, जिसके थ्रू हम IMEI नंबर को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं। तो हमें जो सेक्शंस में जाना है वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के अंदर जाके हमको जाना है, CDS इंफॉर्मेशन के अंदर हमको जाना है। तो वो मैं टैप कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी के अंदर जाना है, फिर CDS इंफॉर्मेशन के अंदर हमको जाना है। ओके, CDS इंफॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद हमको जाना है रेडियो इंफॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे दोनों सिम के स्लॉट्स हैं, फ़ोन 1 एंड फ़ोन 2। फ़ोन 1 सिम 1 है और फ़ोन 2 सिम 2 है। तो पहले हम फ़ोन 1 के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको एक कमांड डालना होगा, एक कोड डालना होगा, जो कि 80+ से स्टार्ट होता है। वो कोड आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस। अगर आपको फ़ोन में क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैंने अपनी स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है, वो कोड आप एज इट इज़ डालिए। और IMEI के नंबर की जगह आपको मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है गाइस, और ये कोड आप को स्क्रीन से मिल सकता है, ये देखिए। ओके, सो डबल क्वोट्स के बीच में हमको अपना IMEI नंबर फीड करना है, डालना है, जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बट आपको रिप्लेस करना है IMEI नंबर आपका खुद का, जहाँ मैंने IMEI नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको आपका IMEI नंबर डालना है। और AT+ के बीच में आपको स्पेस रखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाई डिफ़ॉल्ट 80+ के बीच में स्पेस नहीं आता है, तो 80 और प्लस के बीच में आपको एक स्पेस डालना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं एक स्पेस डाल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ मैंने एक स्पेस डाल दिया है, अब आपका कोड परफेक्ट है। ध्यान रखिएगा, आपको
IMEI नंबर, IMEI जो मैंने लिखा हुआ है कोड के अंदर, वहाँ पे आपको खुद का IMEI नंबर डालना है सिम वन का। अगर आपके पास ड्यूल सिम है तो सिम वन का डालना है, सिंगल सिम है तो वही डालना है आपके पास है जो, ठीक है। उसके बाद में आपको सेंडेड कमांड पे क्लिक करना है, जो बटन है सेंडेड कमांड पे क्लिक करना है, वो सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। उसके बाद में आपको पावर की को प्रेस करना है और आपको फ़ोन रिबूट करना है। सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, आपको कोड लिख के सेंडेड कमांड पे क्लिक करना है, फिर आपको रिबूट करना है फ़ोन। रिबूट करने के बाद आपका आपके फ़ोन, आपके जो सिम वन का सब स्लोट है वो वर्किंग वर्क करने लगेगा, आपका नेटवर्क आ जाएगा, आपको जो भी सिम आपके पास होगी वो शो हो जाएगी और आपका इनवैलिड ईमेल नंबर का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा सिम वन के लिए। ओके सो अब हम करते हैं सेकंड सिम के लिए। ड्यूल सिम फ़ोन है अगर आपके पास, तो हम सेकंड सिम के लिए कोड कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसको फॉलो कर दिए। फिर से हम जाएंगे रेडियो इन्फॉर्मेशन के अंदर, सेम प्रोसेस है, और हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फ़ोन टू जो कि सिम टू को इंडिकेट करता है। यहाँ पे 80 प्लस सेम कोड है, हमको सेम कोड यूज़ करना है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहाँ पे हम जो 1.7 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हमको 1.10 यूज़ करना है। ये वाला कोड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सेम कोड है, बस 7 के जगह 10 हमने यूज़ किया है। यहाँ पे हमको वही दोनों क्वेट्स के बीच में हमको अपना IMEI नंबर लिखना है, जो कि ड्यूल सिम सेकंड सिम के लिए है, जो कि आपने राइट डाउन किया है अपने बिल में से या अपने फ़ोन के बैक साइड में से। यहाँ पे सेम है कि 80 और प्लस के बीच में हमें स्पेस देना है, और ये हमारा कोड रेडी है। हमको क्लिक करना है सेंड एट कमांड पे, सेंड हो गया है सक्सेसफुली। हमें करना है रिबूट करना है अपने फ़ोन को, और रिबूट करने के बाद आपका फ़ोन परफेक्टली वर्क करेगा। मैं गाइस मैं आपको बता दूं कि ये मेथड 100% वर्किंग है, फॉर श्योर आपका रिजल्ट इससे निकलेगा। बट इस मेथड का यूज़ अगर आप किसी इलीगल पर्पस के लिए करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, उसके ज़िम्मेदार ना ही मेरा चैनल होगा और ना ही मैं होऊंगा गाइस। मैंने साफ साफ डिस्क्लेमर के अंदर, मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पर जाके पूरी डिटेल के अंदर, कि आप इस मेथड का यूज़ केवल ओनली अपने ओरिजिनल IMEI नंबर को रिकवर करने के लिए ही कर सकते हैं, जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने फ़ोन के बिल में या फिर आपके फ़ोन के बैक साइड में या बैटरी के बैक साइड में। और अगर आपको IMEI नंबर नहीं मिल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी तुरंत हेल्प करूंगा उसी दौरान। गाइस अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है और आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज है, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप बेफिक्र होकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपके पास कोई सजेशन है किसी टॉपिक को लेकर, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर और मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा उसका। गाइज मैं गौरव आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइज हैव अ गुड डे, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।